रही हूँ मैं। आओ तुम भी फ्री होगे मटा। और भैया दूज भी है, सबको बधाई है भैया दूज की। और आप लोग भी भैया दूज मना रहे होगे, कोई मायके जा रहा होगा, कोई आ रहा होगा, सब राजी खुशी सब ठीक हो। कहो आज मैं हाथ से ही बना रही हूँ। कहो और दिन मिक्सी में बनाती थी, बड़ी बाल्टी में बना रही हूँ गिरे ना करके। नहीं जब ले बड़ा हाथ ले बड़ा। हाँ पर हाथ से बन फिर बड़ा बन गया है। अभी तक मट्ठा नहीं बन रहा था, मैंने हाथ लगाया तैयार हो गया मट्ठा। दिखा दो मक्खन ऊपर को, झाड़ू वाला मक्खन थोड़ा सा वो नहीं निकलता है तो ये। हाँ तो मित्रों आज ईजा बना रही सबके लिए मट्ठा और सभी मेहमानों का स्वागत के लिए, और लस्सी तैयार हो रही है, मक्खन भी निकल रहा है। ईजा ने बना दिया है मट्ठा, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब ईजा को हो रहा अपने भैया का बेसब्री से इंतज़ार। ईजा के भैया अभी आने वाले हैं। आप 32 साल के बाद मुलाकात होने वाली है भैया दूज में। बीच में छुट्टी में तो मामा जी आते रहते थे मुलाकात, लेकिन पहली बार भैया दूज में मुलाकात हो रही है। बेसब्री से ईजा को इंतज़ार हो रहा था। अभी आपको मामा जी से और ईजा जी से दोनों भाई बहनों की मुलाकात कराते हैं। आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में। ईजा के आ गए हैं भैया, सबसे छोटे भैया। मामा जी आर्मी लेफ्टिनेंट रिटायर हैं, और आज इतने सालों के बाद अपनी दीदी को राखी में भी मिले थे। 32 साल के बाद पहली बार भैया दूज में मामा जी अपनी दीदी के पास है। और ये पहाड़ी आमा बड़वाजी सब कुछ यही उनकी दीदी हैं, और स्टूडेंट भी है नई स्कूल की। तो आज ईजा का खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरा सबसे छोटा भैया दूज में मुझसे मिलने आया है करके बहुत खुश हो रही है, और मामा जी को भी बहुत खुशी हो रही 32 साल के बाद अपनी दीदी से मिल रहा हूँ करके। तो मित्रों आप देख सकते हैं भाई बहनों का प्यार प्रेम, और ये प्रेम सदा बना रहना चाहिए। सदा तो बना ही है, वो तो फोन से भी दीदी की पूरी खबर लेते ही हैं मामा जी। तो आरती ले कर दिन हो, अब ईजा अब पूछ रही है आरती ले कर दिन, तो आरती पहले लानी थी। कोई बात नहीं, आप तो मामा जी घर ही हैं, फिर करोगे अपने भाई की आरती। अभी भैया का नया घर बन रहा है, आप ही जो सही लेके खड़ी हो जाएंगी रैली में। तो मित्रों आप देख सकते हैं, और मामा जी अभी लगा मामा जी का भी घर बन रहा नया, फिर नए घर में भी ईजा दिखाई देंगी। हाँ ईजा अब अगले साल के भैया दूज का निमंत्रण दे रही है। और मामा जी को ईजा दे रही आशीर्वाद। मामा जी को मिठाई तो खिलाओ फिर अपने भाई को। आप यहाँ से मिठाई ईजा हाँ खूब आशीर्वाद दो मामा जी को। हाँ ये ईजा ने तो वहीं रखी है अपने भाई को। तो देखो फिर अब तू भी मुझे खिला दो। तो मित्रों ये भाई बहन का प्यार बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है, ऐसा प्रेम बहुत अच्छा है। और मामा जी भी ईजा को बहुत प्यार करते हैं बहुत। हाँ तो इतने साल के बाद इस बार पहली बार ही हो रहे ना मामा जी भैया दूज में। भैया दूज उससे पहले राखी में भी इसी बार। हाँ वही तो, मामा जी बाहर थे तो फिर अभी बहनों से मुलाकात नहीं हो पाती थी। तो बहुत अच्छा लगा आज मामा जी आए यहाँ। ईजा अभी ईजा कदू खुश रहा था बताओ। आप खुशी बोलते थे कि नहीं 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 क्यों इतना अच्छा लगता है बड़ी के नाम पर मैं कह रहा हूँ भैया दूज के लिए बधाई हो। अरे पंडित जी को बुला जाना है, गाड़ी में जाना तो ऐसे जान में गाड़ी पंडित जी मजबूर है वो कैसे आदि पे हाँ फ्री वाली जैसे वो बैंक में यहाँ पर जी वाले ना कतुल जन हरियाणा आ रहा है यहाँ। हाँ भाभी भी तो आ गई है। अल्लाह जन्म में निराश है जी, जब यहाँ तब मैं जरा मेरे हंसी खुल गए। अब हंसी का ठिकाना नहीं है को। मेरा छोटा भाई सबसे प्यारा भाई पर। भाई मैं पहले किरण मुझे इसलिए छोड़ दे, एक बार मैं फोन करूँ बड़े कोई भी ये तो जो ने आवाज अगर कपड़ा काम दो को तो डांटना मत को आज। चलो ठीक है ओके। और उसी सब बात करनी मनी सब ठीक है होने ले। हाँ तब ठीक है ठीक है तब ये सब निराश रहेगा जी। मैं मेरे को ये तो भैया ने ये ऐसा कहा मेरे को भजन में जरान कोने लाग रही थी और दिनों तुम ये तक पकाया पकी खाती थी। बहुत खुश हो गई भैया आए, मामा जी भी आने वाले थे,
बड़े मामा जी भी आने वाले थे, मामा जी अभी विदेश से ही आए हैं, लेकिन आज उनको भी जुकाम हुआ तो आ नहीं पाए, तो मामा जी भी आते रहते हैं, उनको भी आपसे मिलाएंगे। अमेरिका से अभी पहुँचे ही हैं, मामा जी को एक हफ्ता भी नहीं हो रहा, तो ऐसे ही थकान हो रही है, और छोटे मामा जी आए। तो ये अब मैं आपको वीडियो समाप्त करने से पहले अपना परिवार, इधर जोशी जी और मैं हैं, ये मेरी प्यारी सी भांजी अंकुली, ये अंकिता के हस्बैंड, ये मेरे भांजी और भांजी के हस्बैंड, अंकुली और अंकुली के हस्बैंड, इधर मेरे प्यारी सी बिटिया ने मुझे, मेरी बेटी ने गिफ्ट किया था रिंकी ने, ये राधा कृष्ण का जोड़ा, इधर जोशी जी और मैं, मेरी प्यारी सी भांजी पूजा ने मेरे को ये गिफ्ट किया था, बनवाया था, ये फोटो मेरी बनवाई थी मेरी सालगिरह में, आप देख सकते हैं मेरी भांजी ने। और आज मेरी भांजी आ नहीं पाई, जुकाम हो रहा था बहनी को, और आज मेरी भी तबीयत थोड़ा ढीली हो रही थी। ये मेरा परिवार, ये मेरी दीदी के बाद, तो आज दीपावली में ये बच्चे, सारे बच्चे घर पे आए हैं, इसलिए मैं वीडियो दिखा रही हूँ, और कैमरे के सामने कोई भी नहीं आते मित्रों, इसलिए मैं आपको ऐसे ही फ़ोटो दिखा दे रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होगा, मेरी तबीयत थोड़ा ढीली हो रही है, जुकाम मुझे भी हो रहा है, इसलिए मित्रों आज का वीडियो, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि 32 सालों के बाद जो भाई बहन का प्यार मुलाकात आपको दिखाई, सच में ईजा भी रोने लग गई खुशी के मारे हैं, मुझे भी बहुत रोना आया, बहुत संजोग है मित्रों, बहुत अच्छा लगता है भाई बहन जब मिलते हैं, बहुत खुशी, तो बहुत अच्छा लगा ईजा के भाई साहब आज 32 साल के बाद मुलाकात पहली बार हुई है भैया दूज में, राखी में भी मिले थे। तो मित्रों आप बने रहिएगा हमारे साथ फिर नई नई वीडियो के साथ। तो आज ये सारे बच्चे घर आए हैं, बेटा भांजा सब लोग घर पे हैं, लेकिन कैमरे के सामने कोई नहीं आते हैं। तो मित्रों सभी को शुभ रात्रि।